पब्लिक टीवी आपकी आवाज। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर अब तक सभी दलों ने अपनी जो धार थी चुनाव प्रचार की वो आज समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में लगातार समाजवादी के जो कार्यकर्ता थे वो चुनाव प्रचार कर रहे थे उसी क्योंकि आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ में है समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष DP यादव जी कि आखिरकार इस चुनावी दौर में उनकी किस तरह की स्थिति रहने वाली है और 4 तारीख में जो वोटिंग होगी उसके बाद में जो 13 तारीख में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो किसके पक्ष में आएगा उसी पर चर्चा करेंगे। अध्यक्ष जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे इस चुनावी सफर में जिस तरीके की तैयारियां थी क्या समाजवादी सफल हो पाई? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ये संदेश देने में कामयाब हुई है कि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का गढ़ था, गढ़ है, गढ़ रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा विरोध समाजवादी का देखने में, अंदरूनी कलह जो सामने आई कैंडिडेट को लेकर, उसे किस तरीके से मैनेज किया या किया जा रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो मुरादाबाद का कार्यकर्ता है ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कुछ लोग हमेशा अक्सर करते हैं, ये इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन चुनाव के दिन और चुनाव से एक दिन पहले सब लोग समाजवादी पार्टी के झंडे के साथ एक साथ खड़े होते हैं और समाजवादी पार्टी को ही वोट करते हैं, समाजवादी पार्टी को ही वोट कराते हैं। अच्छा, जो माहौल है एक तरीके से देखने में आ रहा है कि एक पर्टिकुलरली एक दल की तरफ पर जो जनता का रुझान नज़र आ रहा था, क्या लगता है वो कामयाबी हासिल हो पाएगी? देखिए, मुरादाबाद जो है, अभी आपने विधानसभा चुनाव देखे होंगे, समाजवादी पार्टी की भारी कामयाबी हुई है। उससे पहले लोग शोर मचा रहे थे, कोई BJP कह रहा था, कोई कांग्रेस कह रहा था, किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। एक सीट 700 वोट से यहाँ भाजपा जीती है, बाकी सारी यहाँ समाजवादी पार्टी की सीट निकली हैं और हमें फिर उम्मीद है कि मुरादाबाद की आवाम अपने नगर निगम के बहुत बेहतरीन कामों के लिए समाजवादी पार्टी को सफल बनाई। लेकिन एक जो विरोध सामने आया था, अभी जो आपके प्रत्याशी थे समाजवादी के, उनकी गाड़ी पर एक हमला हुआ, समाजवादी के लोगों ने ही वो किया, इसको क्या समाजवादी पार्टी साध नहीं पा रही, क्या वजह है कार्यकर्ता इधर बिखरे हुए? नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, हमारे प्रत्याशी की गाड़ी पर कोई हमला नहीं हुआ और जो हमारे यूसुफ अंसारी, अब वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे प्रत्याशी की गाड़ी पर कोई हमला नहीं हुआ, कोई एक आदमी इस मुरादाबाद का नहीं, मुरादाबाद मंडल का, आसपास का भी, हमारे प्रत्याशी में कोई कमी नहीं कर निकाल सकता। हमारा प्रत्याशी एक बहुत ही नेक मुसलमान है, एक अच्छा मुसलमान है और कोई शराब का काम नहीं करता, ज़मीनों का नाम करता, कोई माफिया निगरी का काम नहीं करता और हमारे प्रत्याशी में कोई आदमी किसी तरह की कोई कमी नहीं निकाल सकता। तो आखिर माहौल क्या है देखने में आ रहा है कि क्या समाजवादी के लोग जो आपका जो कैंडिडेट है उसकी बात को जनता के बीच में नहीं पहुँचा पा रहे, क्या सामने निकल कर आ रहा है, क्या वजह है कि जो कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए हैं? अरे, समाजवादी पार्टी नेताजी की बनाई हुई पार्टी है, आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव जी की बनाई हुई पार्टी है, अखिलेश यादव जी की पार्टी है, उनके यहाँ पर हजारों कार्यकर्ता हैं, एक अकेला कैंडिडेट थोड़ी बात पहुँचाएगा, हम जैसे हजारों कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की बात पहुँचाने में सक्षम हैं और सफल हुए हैं। एक कोई भी किसी भी बड़े नेता का यहाँ पर दौरा नहीं लग पाया, क्या एक इसे बिखराव की वजह मान के चल? मिस्टर अंकित चौहान, आपको मालूम होगा विधानसभा चुनाव में भी हमारे कोई बड़े नेता नहीं आए थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव साहब जो प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हमारे सभी बड़े नेताओं ने ये विश्वास जताया था कि मुरादाबाद का समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को जिताने में सक्षम है, इसलिए वे और जगह गए थे, तब भी नहीं आए थे, तब भी समाजवादी पार्टी जीती थी। अच्छा, क्योंकि आपके जिलाध्यक्ष रहते हुए भी लगातार विधानसभाओं पर आपने जीत दर्ज की थी, 6 में से 5 विधानसभा आपके खाते में आए थे, इस बार क्या रहने वाला है मेयर की सीट पर? देखिए, अगर आपको ध्यान होगा तो विधानसभा चुनाव के बाद भी आज जहाँ साहब बोला कि साहब कि ज्यारत में मैं खड़ा हूँ, यहीं मैंने कहा था, यहीं हाथ जोड़े थे, यहीं प्रणाम किया था, यहीं चादर चढ़ाना आया था, फिर यहीं आया हूँ और इनसे दुआ की दरख्वास्त करूँगा, अभी हम चादर चढ़ाएंगे, चादर पोछी करेंगे और विनती करेंगे, इनसे प्रार्थना करेंगे और दुआ की दरख्वास्त करेंगे कि समाजवादी पार्टी यहाँ से मेयर का कैंडिडेट जीतेगा। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष DP यादव जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी की जो महापौर का जो इलेक्शन है उसमें सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी अपनी जीत दर्ज कराने वाले हैं। अब देखना होगा कि 13 तारीख में किसके सिर पर ताज सजता है। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक TV इंडिया, मुरादाबाद। पब्लिक TV आपकी आवाज़।